सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पवन वर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में गाइस हम जिस कंपनी में दोस्तों ओपन के बारे में बात करने वाले, ये आपकी होने वाली फ्लिपकार्ट प्रोसेस का दोस्तों। मतलब यहाँ पे दोस्तों दो कंपनियां हैं और दोनों ही आपकी हायर कर रही है फॉर द फ्लिपकार्ट प्रोसेस दोस्तों। मतलब पहली कंपनी दोस्तों यहाँ पे होने वाली है स्टार्टेक एगिस दोस्तों, जो कि अगेन ये भी फ्लिपकार्ट के लिए हायर कर रही है। और गाइस जो सेकंड कंपनी दोस्तों, ये आपकी होने वाली टेली परफॉर्मेंस दोस्तों, जो कि अगेन ये भी आपकी ई कॉमर्स प्रोसेस मतलब फ्लिपकार्ट दोस्तों हायर करें, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी कॉल कर कंफर्म करा है। अब गाइस देखो, दोनों जो कंपनियां हैं यहाँ पे, ये आपका परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए हायर कर रही है। मतलब आपको घर बैठे दोस्तों लाइफ टाइम काम करना है, घर बैठ के आपको इंटरव्यू देना, घर से बाहर नहीं निकलना है। और जब काम दोस्तों वो भी आप घर बैठ करना, तो कोई भी चीज़ आपको घर से बाहर निकल के बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पे। सेकंड दोस्तों, यहाँ पे आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपका एटलीस्ट 12वीं पास, मतलब 12वीं पास है आप कम से कम। उसके अलावा आप अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट दोस्तों फ्रेशर है आप, स्टूडेंट दोस्तों हाउसवाइफ सारे यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। और इसके अलावा ये आपकी जो ओपनिंग है, तो पूरे पैन इंडिया में आप कहीं से दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट पर दोस्तों ये है, इसकी ओपनिंग अभी कुछ घंटे, मतलब अभी एक घंटे आधे घंटे पहले दोस्तों ओपनिंग आई है, एक घंटे सवा घंटे दोस्तों मुश्किल से हुआ होगा। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ लिया है दोस्तों, ये आपका 500 दोस्तों ऊपर, मतलब 500 से ऊपर नंबर ऑफ आने के लिए। और यहाँ पे आपका जो दोस्तों इंटरव्यू वो 100% श्योर होगा। बट कैसे यहाँ पे आपका अप्लाई करना, मतलब कैसे आपको अप्लाई करना, क्या आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो, और यहाँ पे क्या आपका दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये दो पार्ट आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों ये दो पार्ट को समझ के उसके बाद ही अप्लाई करना, जल्दीबाजी प्लीज मत करना, अदरवाइज यू लूज योर अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले का ही चैनल फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो गाइस, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। और आप चाहें दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन करना, जिसका दोस्तों लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। सो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, यहाँ पे जो दो कंपनियां हैं, एक आपकी होने वाली एगिस और दोस्तों एक कंपनी आपकी यहाँ पे होने वाली टेली परफॉर्मेंस दोस्तों। और ये दोनों के दोस्तों जॉब रोल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी पैकेज, एप्लीकेशन प्रोसेस है, सारा का सारा दोस्तों ऑलमोस्ट सिमिलर होना। तो यहाँ पे मैं बात करूँ डिटेल में एगिस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे दोनों से सिमिलर होना, तो दो बार अगेन बात करना आई थिंक इट विल अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइमिंग। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको सारा लिंक सब कुछ नीचे दे दूंगा, तो आप वहाँ से अप्लाई करना, ठीक है। अब गाइस देखो, यहाँ पे ये लोग हायर कर रहे हैं परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए दोनों दोस्तों। यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं अप्लाई करता, ठीक है। अब गाइस देखो, यहाँ पे जो प्रोफाइल आपका होने वाला है, ये आपका होने वाला है ई कॉमर्स के अंदर, मतलब फ्लिपकार्ट दोस्तों प्रोसेस के अंदर वॉइस प्रोसेस के लिए, मतलब काम जो होने वाला है आपका वॉइस प्रोसेस के अंदर दोस्तों होने वाला, ठीक है। अब गाइस देखो, सैलरी पैकेज की बात करो, दोनों जगह सैलरी पैकेज जो मिल रही है आपको, ये आपको मिल रही है अप टू 3 लाख। मतलब इनहैंड की बात करूँ, सीटीसी की बात करूँ, तो 25,000 दोस्तों सैलरी पैकेज आपको यहाँ मिल सकती है। मतलब मैं अगर इनहैंड की बात करूँ, कटकटा के हाथ में कितना आएगा, तो ये आपको होने वाला 18,000 से गाइस 23,000 रुपये के बीच। अब ये सारा डिपेंड करता है कितना अच्छा आपका यहाँ पे इंटरव्यू जाता है, उस पर सारा डिपेंड करता है। मतलब बट आपको जो मिनिमम सैलरी पैकेज जो 18 मिल जाएगी और अच्छा आपका जाता है इंटरव्यू, या फिर आपने पहले काम करा 1 साल तक, तो आपको यहाँ पे 23,000 दोस्तों सैलरी पैकेज मिल जाएगी और एज ए फ्रेशर भी मिल जाएगी। बट ऑल डिपेंड ऑन कैसा दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू देते हैं। देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ आपके जॉब रोल के बारे में, देखो यहाँ पे आप काम करने वाले ई कॉमर्स प्रोसेस मतलब फ्लिपकार्ट प्रोसेस के अंदर दोस्तों एज ए कस्टमर केयर। तो यहाँ पे आपका काम क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको दोस्तों फ्लिपकार्ट एक कस्टमर की क्वायरी को सॉल्व करना है थ्रू द वॉइस प्रोसेस। ये आपको दोस्तों नॉर्मल काम, मतलब जो भी फ्लिपकार्ट कस्टमर है और जो भी दोस्तों जो भी क्वायरी वगैरह आ रहे हैं, वो आपसे फोन पे बात करेंगे और आपको मेक श्योर करना है कि आप उन्हें क्वायरी को 100% सॉल्व कर रहे हैं। मतलब मान लो सपोज कोई भी उन्होंने ऑर्डर प्लेस करा फ्लिपकार्ट, या फिर कोई रिफंड का इशू है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, मतलब जो भी कंसर्न दोस्तों आ रहा है फ्लिपकार्ट के कस्टमर्स को, आपको वो सॉल्व करना। आपने खुद फ्लिपकार्ट कस्टमर से बात करा होगा, तो वही यहाँ पे आपका कस्टमर केयर का रोल प्ले करना है। ये दोस्तों आपका नॉर्मल सिंपल यहाँ पर होने वाला जॉब रोल, ठीक है। अब दोस्तों देखो, हम बात करते हैं यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ें दोस्तों आपके तरफ से रिक्वायर्ड है। सो भाई देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे एटलीस्ट आपका कम से कम दोस्तों 12वीं पास चाहिए। मतलब 12वीं पास के ऊपर आप अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, आपने पहले काम करा है, आपने काम नहीं करा, आप दोस्तों सारे यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे करना होगा कि आपके पास एक प्रॉपर दोस्तों वर्क फ्रॉम होम का सेटअप चाहिए, मतलब जिसके अंदर एटलीस्ट दोस्तों विंडो 10 आपके पास हो। मतलब आप देख सकते हैं विंडो 10 हो दोस्तों, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, जिसके अंदर विंडो 10 हो और इसके अंदर आपका 4GB का रैम हो दोस्तों। और इसके अलावा आपके पास एक प्रॉपर वाईफाई हो, जिसके अंदर एटलीस्ट 10 से 20 MBPS के ऊपर की स्पीड हो। तो ये दोस्तों थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। टेलीफॉर्मेंस में आप क्या बोल रहे हैं, ये लोग 10 MBPS की स्पीड चाहिए। और जो आपका एगिस दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा, यहाँ पे क्या उन्होंने बोला है कि यहाँ पे 30 MBPS ऊपर स्पीड चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये दोस्तों आप लोग देख लेना। और इसके अलावा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपका यहाँ पे 6 दिन दोस्तों काम होने वाला है और 30 आपका चाहिए टाइपिंग स्पीड इनटू द एगिस, जिसके अंदर 90% आपका चाहिए एक्यूरेसी। तो ये गाइस आपका होने वाला है यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों। और इसके अलावा आपको ऑब्वियसली यहाँ पे कस्टमर से बात करने वाला स्किल आपके अंदर होना चाहिए। मतलब आपका जो दोस्तों कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, आपको इंग्लिश में बात करना बहुत स्ट्रांगली आता नहीं आता, एटलीस्ट आप दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू निकालना। आप दोस्तों आपको ऑलरेडी पता है कि मैंने इंटरव्यू वीडियो बनाया है, तो वो आप देख सकते हो। अब देखो, यहाँ पे एटलीस्ट आपका इंग्लिश वाला पार्ट जो है
वो आपका इतना स्ट्रांग हो कि एटलीस्ट आपको जो इंटरव्यू उसमें आप एटलीस्ट 60% 70% आप बात कर पाए, फुल बात नहीं करा, बट सामने वाला लड़को लगे अचार लगे कि हाँ इसको इसको बेसिक इंग्लिश आता है, और उसके अलावा मेन आपका वाला कम्युनिकेशन स्किल कैसे आप उनसे बात करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, ठीक है। सो गाइस देखो ये तो सारा होगा डिटेल की कैसे आपको क्या एलिजिबिलिटी का एड्रेस है। अब देखो दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना। सो गाइस देखो अप्लाई करने के लिए मैं आपको देने वाला यहाँ पे दो गाइस मतलब एचआर कॉन्टैक्ट में दोनों के अलग अलग के लिए दोस्तों। तो आपको क्या करना है, एचआर का आपको नंबर मिल रहा है दोस्तों, एचआर का आपको ईमेल आईडी मिल रहा है, तीसरा आपको दोस्तों लिंक मिल रहा है, आपको तीनों दोस्तों प्रोसेस यहाँ फॉलो करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबर दोस्तों आपका रिज्यूम सेंड करना है, सेकंड आपको देखो एक ही नंबर मिल रहा है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उनको व्हाट्सअप भी कर रहे हैं, आप उनको मेल भी कर रहे हैं, तो आपको ईमेल आईडी मेल भी करना है। सेकंड दोस्तों आपको उनके नंबर पे आपको आपका रिज्यूम भी भेजना है, और रिज्यूम में दोस्तों मेक श्योर करना है कि आप जो भी रिज्यूम भेज रहे हैं उसके अंदर वो सारे स्किल अवेलेबल हो जो भी उन्होंने मांगा, जैसे कि टाइपिंग स्पीड हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, है ना, तो ये सारा दोस्तों स्किल आपके अंदर हो तभी आपका यहाँ पर रिस्पॉन्स दोस्तों आएगा। और थर्ड आपको दोस्तों दोनों लिंक के थ्रू अप्लाई कर देना, ठीक है। तो और इसके अलावा आप कल दोस्तों इनको कॉल भी कर सकते हैं, देखो एक ही नंबर हो सकता है कॉल पिक करने का, तो आपको यहाँ पे बैक टू बैक ऐसे आपको यहाँ पे इनसे फॉलोअप दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस देखो यहाँ पे ये होने वाला आपका अप्लाई करने का प्रोसेस। और गाइस देखो यहाँ पे इंटरव्यू की बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी गाइस यहाँ पे वीडियो बना रखा है इंटरव्यू के ऊपर जो कि दोस्तों फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो मैं देखो उसका वीडियो का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो दोस्तों नीचे दे दूंगा, तो आप पहले यहाँ पे अप्लाई करना, उसके बाद दोस्तों उस वीडियो को रिटर्न देखा, तो मैंने उस वीडियो में दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चंस भी मेंशन करे हैं, और दोस्तों क्या पॉसिबल आंसर आपके तरफ से हो सकता है वो भी दोस्तों मेंशन कर रखा है। दोस्तों उस वीडियो को आप रिटर्न देखना, वहां से आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी दोस्तों। तो उसका वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा या फिर डाल दूंगा इस वीडियो दोस्तों एंड होते ही। तो गाइस देखो ये आपका होने वाला आज का वीडियो दोस्तों अपडेट। दोस्तों आई होप मैंने इस वीडियो में सब कुछ गाइस मेंशन किया दोस्तों। अब स्टिल कोई भी आपको डाउट बचता है, कोई भी क्वेरी बचता है, आप दोस्तों ऑब्वियसली नीचे कमेंट बॉक्स में सकते हैं। अब दोस्तों मैं इस वीडियो का यही पेन करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अपने फैमिली मेंबर्स का जिसको भी दोस्तों जॉब की अर्जेंट नीड है, जिनको दोस्तों घर बैठ के यहाँ पे काम करना, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी गोल्डन दोस्तों अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब दोस्तों इस वीडियो को यही पेन करता हूँ, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो गाइस एंड वेरी वेरी गुड लक फॉर जॉब इंटरव्यू सिलेक्शन दोस्तों।